चल रहा है, प्रशासन द्वारा लोगों को बात करना चाहिए। क्या ज्ञापन देना कोई बुरा काम? क्या लोकतंत्र ये हम लोगों को जायज नहीं है कि हम लोग जाकर के ज्ञापन देने का काम? एक प्रतिनिधि कम से कम आप इसके नेतृत्वकर्ता में उनसे आप बात करते लाठी चलाने से पहले। ऐसा तो था नहीं कि आपकी तो पूरी फौज पहले से तैयार थी, आप तो कभी भी रोक सकते थे अगर उल्लंघन होता तो। लेकिन आप बात बिना बात किए अगर आप लाठी चलाते और ऐसा भी नहीं आप रुक जाते लोग सांसद पर लाठी चलती आप रुक जाते और तीन चार लोगों को मंडल को कम से कम जाने देते ज्ञापन देने शांतिपूर्ण ढंग से हो जाता। और बिहार में आप कहना है कि अगले बिहार की 11 आपके प्रतिनिधि वो आ जाए वो लेकर के चलेंगे मुलाकात करवा देंगे। लेकिन अरे आप यही प्रशासन है जो 2 महीने बाद FIR करते हैं। ब्रजेश जो मुजफ्फरपुर कांड में जो ब्रजेश जो थे 2 महीने बाद FIR होती उसमें भी मैं नक्यूज करा रहा हूँ। प्रशासन के लोग अब अपनी गलतियों को मेकअप करने में लगे। ये पूरी योजना जो है पहले से ही लोगों का बना हुआ था, उसी योजना के तहत ये सारी कार्रवाई। विपक्षी लोग बड़ा आड़े हाथों ले रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं मुजफ्फरपुर का, लेकिन घर में महिला प्रताड़ित हो रही है, डिवोर्स तक लिया जा रहा है, इसमें कुछ कहना चाहेंगे? कितना गंदा ये सवाल था, कौन पूछा? हमने तो सुना नहीं, शायद आपने सुना होगा कौन प्रताड़ित। तेजी का अगर बयान भी देखा होगा तो आप उन्होंने संजय सिंह का बयान पूरा परिवार तो उनके साथ खड़ा हमारे घर में, उनका कोई बयान आया है वो आकर के घर में झांक रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? नहीं लोग हैं, इन लोगों से लेना देना नहीं। आप बात ये बात पारिवारिक चीजें अलग, अभी आप मेन इशू को डाइवर्ट करो। अंतिम सवाल चलिए आपसे करना चाहते हैं, आपकी अब रणनीति क्या होगी? साफ बता इसके आगे आप रहेंगे प्रशासन के लोगों से हम लोग बात करने का काम करेंगे और माफी मांगे जिन्होंने ये आदेश दिया लाठी चलाने का, उनको माफी मांगना पड़ेगा। नहीं तो आप भी विधानसभा सत्र आएगा तो हम लोग उसमें हम लोग आवाज उठाने का काम। राज्यपाल महोदय को हम लोगों को क्यों नहीं किया बंदियां दे दिया जाता? सोचा ऐसा कौन सी गलती की गई है जिससे कि जो है लाठीचार्ज इमीडिएटली चालू कर दिया गया?